हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करते हैं सम नंबर 7। ओके, ये सम सबसे थोड़ा डिफरेंट है और इम्पॉर्टेंट भी है। अच्छे से ये सम समझना, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, कौन सी चीज़ अलग है, पहले मैं वो बता देती हूँ कि ये सम करवाने का मेन रीज़न क्या है। डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है, पर थोड़ा डिफरेंट है। एक तो अभी तक जितने हमने सम किए वो सारे किसके रिलेटेड थे, फायर और मरीन। अब ये सम है 7 नंबर 7, उसमें क्या है, फायर, मरीन एंड मिसेलिनियस। तीसरा जो है इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस का जो थर्ड पार्ट है मिसेलिनियस इंश्योरेंस, वो इसमें कवर हो रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पीछे की इंफॉर्मेशन देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रेवेन्यू अकाउंट्स। वो तो हम जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाना है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक एक्स्ट्रा कॉलम आ जाएगी मिसेलिनियस की, ठीक है। उसके बाद है, वो इम्पॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011 आफ्टर टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यस, कौन सी दो चीज़ नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको अलग से बनाना है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको अलग से बनाना है। उसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। देखो, आप जैसे इन्फॉर्मेशन देखोगे अब आपको लगेगा कौन सी चीज़ हम रेवेन्यू में कंसिडर करें और कौन सी चीज़ हम PNL में कंसिडर करें, और PNL अप्रोप्रिएशन, तो PNL अप्रोप्रिएशन का मतलब हमें पता ही है। PNL अप्रोप्रिएशन यानी जो भी प्रॉफिट है वो हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, डिविडेंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको हम PNL अप्रोप्रिएशन बोलते हैं। तो उसमें तो कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। उसमें सिर्फ क्या आएगा, जितनी इनकम होगी वो क्रेडिट होगी, एक्सपेंस होगी वो सारे डेबिट होगी। पर कौन सी इनकम और कौन से एक्सपेंस हमें कंसिडर करने हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन में कहीं क्लैरिफाई नहीं किया है कि ये फायर का है, ये मरीन का है या मिसेलिनियस का है। आप देखोगे सम नंबर 7 में तो आपको देखो पार्ट दिखेंगे, सबके लिए आपको फायर मरीन मिसेलिनियस, फायर मरीन मिसेलिनियस बोला ही है। पर कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें आपको डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, जैसे शेयर ट्रांसफर फीस रिसीव्ड, ठीक है, इसमें पार्ट दिए हैं, आपको डिफ्रेंशिएट किया है कि फायर का कितना, मरीन का कितना, मिसेलिनियस का कितना। तो जितने भी ऐसे इनकम और जैसी जितनी भी ये एक्सपेंसेस और इनकम है जिसमें आपको डिफ्रेंशिएट नहीं किया है कि फायर का कितना पोर्शन है, मरीन का कितना है और मिसेलिनियस का कितना है, उसके लिए हमें PNL बनाना है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ है ही नहीं, आपको सिर्फ इतना देखना है, अगर आपको डिफ्रेंशिएट किया है, डिफ्रेंशिएट करके दिया है तो वो आप लेंगे उसमें रेवेन्यू अकाउंट में, अगर डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, जनरल दिया है, तो वो हम लेंगे PNL, ठीक है। सम की शुरुआत करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले जैसे हम रेवेन्यू अकाउंट का हमारा फॉर्मेट है वैसे ही क्रिएट कर लेंगे, ओके, बना लेंगे। उसमें इस बार हम क्या करेंगे, फायर, मरीन और मिसेलिनियस तीन कॉलम रखेंगे। अगर आप इलस्ट्रेशन में देखोगे तो उन्होंने क्या किया है, पहले फायर का बनाया है, फिर मरीन का और फिर मिसेलिनियस का। ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फायर, मरीन और मिसेलिनियस तीनों आप साथ में ही बना दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और ईजी भी रहेगा आपके लिए, ठीक है। एग्जाम में भी यही मेथड फॉलो करना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। शुरू करते हैं, हमने पहले रेवेन्यू का फॉर्मेट बना लिया है, हमें पता है रेवेन्यू का फॉर्मेट कौन सा है, ठीक है। शेड्यूल 1 प्रीमियम का, शेड्यूल 2 क्लेम का, और शेड्यूल 3 कमीशन, और 4th ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब आपने इतने सारे सम्स किए तो आपको ये याद हो ही गया होगा। अब शुरू करते हैं, सबसे पहले देखो क्या दिया है, री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। पेड क्या मतलब क्या होता है, सीडेड, जो हमने ट्रांसफर किया है वो। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम यूज करते हैं तो आपको वो थोड़ा याद रखना होगा। कौन सा सम था, सम नंबर शायद से 11 था, उसमें क्या बोला था, यस, इंश्योरेंस प्रीमियम क्रेडिट, क्रेडिट यानी एक्सेप्टेड, और डेबिट बोले तो सीडेड। सो सम नंबर 7 में हमें बोला है रीइंश्योरेंस प्रीमियम पेड, पेड यानी सीडेड, ट्रांसफर किया है तो वो हम क्या करते हैं, हमारे प्रीमियम में से माइनस कर देते हैं। उसमें फायर का दिया है, पीछे मरीन का भी है, मिसेलिनियस का नहीं होगा, तो ये हम कहाँ लिखेंगे, हमारे शेड्यूल नंबर 1 में।
शेड्यूल नंबर वन हमें पता है, पहले हम प्रीमियम रिसीव्ड लिखते हैं, उसके लिए जगह छोड़ देंगे क्योंकि अभी इन्फॉर्मेशन उसकी नहीं आई है। सीडीएट की जो है वो हम लिख देते हैं माइनस है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 1 लाख एंड मरीन के लिए 50,000, मिसलिनियस नहीं है तो वहाँ डैश। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स, यस इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स हम अब तक कहाँ लिखते थे, हमारे डायरेक्ट रेवेन्यू अकाउंट में लिख देते थे, पर अब यहाँ अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा 1,45,700 ओवरऑल दे दिया है, मतलब फायर का कितना, मरीन का कितना, मिसलिनियस का कितना, कोई अलग से इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अगर जितने भी जनरल इनकम एंड जनरल एक्सपेंस देते हैं जिसमें बायोफकेट नहीं किया है कौन सा फायर है, कौन सा मरीन और कौन सा मिसलिनियस है, वो सारी चीज़ें हम कहाँ डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में तो सिर्फ क्या होता है, जो हम अपना जो अपनी इनकम है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेयर होल्डर को, वही आता है, तो वहाँ तो हम नहीं लिखेंगे। तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कहाँ आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड हमारी इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड लिखेंगे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड 145,700। फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि हमारे पास अलग इन्फॉर्मेशन नहीं है, फायर की कितना, मरीन का कितना और मिसलिनियस। अगर मुझे रेवेन्यू में लिखना है तो मैं किस में लिखूँ, फायर में लिखूँ, मरीन में लिखूँ या मिसलिनियस, ये जनरल है। तो जनरल के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड 1,45,700, ठीक है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन है डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस में भी सेम टोटल अमाउंट दी है, किस फायर मरीन और मिसलिनियस की कितनी है वो नहीं बताया है, तो डायरेक्टर फीस वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस के लिए हम लिखेंगे पीएनएल में डेबिट 9,000। अदरवाइज हम डायरेक्टर फीस कहाँ लेते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लेते हैं, पर यहाँ बायफोकेट डिफ्रेंशिएट नहीं किया है इसलिए हम उसको कहाँ लेते हैं, अभी पीएनएल में। अब आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि मैम आपने तो आगे के सारे सम्स में हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखवाया था, क्योंकि वहाँ हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी गई थी, यस फायर की कितनी, मरीन की कितनी, या तो सिर्फ क्या था, फायर रिलेटेड ही सारे इंश्योरेंस थे, मरीन रिलेटेड ही थे, यहाँ तीनों एक साथ है पर यहाँ डिफ्रेंशिएट नहीं किया है और आपको बोला है पीएनएल बनाओ, तो डायरेक्टर फी कहाँ आ जाएगा, पीएनएल में डेबिट। उसके बाद एक क्लेम रिसीव फ्रॉम री इंश्योरेंस कंपनी, क्या है, क्लेम रिसीव्ड, हमें क्लेम मिला है तो वो हम क्या करते हैं, क्लेम में से माइनस कर देते हैं, सिर्फ फायर का ही है 1 लाख, तो हम क्लेम का जो हमारा शेड्यूल नंबर 2 है वहाँ क्लेम के लिए पहले क्लेम पेड छोड़ देंगे, उसके बाद जो रिसीव्ड है वो क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 1 लाख रुपीज। उसके बाद इंफॉर्मेशन है रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, रिजर्व दी गई है अनएक्सपायर्ड रिस्क की, फायर मरीनर मिसलिनियस तीनों की दी गई है। तो जैसे हम करते हैं प्रीमियम में शेड्यूल नंबर 1 ओपनिंग बैलेंस जो है वो हमारी फायर के लिए है 333,700 लिख देंगे, उसके बाद मरीन के लिए है 8,24,800 एंड मिसलिनियस के लिए है 1,16,000, तो हमने ओपनिंग बैलेंस सारी लिख दी। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट तीनों के लिए अलग अलग दिए हैं, तो हम वो लिखेंगे हमारे शेड्यूल नंबर 4 ऑपरेटिंग एक्सपेंस में मैनेजमेंट एक्सपेंस 2,32,900, 1,26,600 एंड 14,500, तो वो हमने लिख दी। उसके बाद इन्फॉर्मेशन है प्रीमियम रिसीव्ड, तीनों के बारे में दी गई है प्रीमियम रिसीव्ड, वो हमारा होता है शेड्यूल नंबर 1, हम लिखेंगे शेड्यूल नंबर 1 में प्रीमियम रिसीव्ड 9,77,000, 7,90,000 एंड मिसलिनियस 54,600। उसके बाद की इन्फॉर्मेशन है कमीशन के लिए, कमीशन में भी फायर मरीन और मिसलिनियस तीनों का दिया गया है, कमीशन 227,500, 152,500 एंड 13,500, ठीक है। यहाँ एक लाइन करके लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये टोटल है, ये मिसलिनियस का है 13,500। नेक्स्ट सामने की साइड में जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या दिया है, एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट नॉट एप्लीकेबल टू एनी पर्टिकुलर फंड, आप देख सकते हो क्या लिखा है, एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट नॉट एप्लीकेबल टू एनी पर्टिकुलर फंड, यानी कि फायर मरीन और मिसलिनियस तीनों में से किसका है वो नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है, तो हम उसको कहाँ ले जाएंगे, पीएनएल में डेबिट, एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट नॉट एप्लीकेबल टू द पर्टिकुलर फंड,
47,500 एक्सपेंस है तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। उसके बाद यहाँ इंफॉर्मेशन है शेयर ट्रांसफर फीस रिसीव्ड। शेयर ट्रांसफर फी रिसीव्ड अगर सिंपल सम्स होते हैं तो हम उसे कहाँ लिखते हैं, रेवेन्यू में, अदर इनकम में लिखते हैं, पर यहाँ शेयर ट्रांसफर फी किसके लिए, फायर मरीन मिसेलिनियस तीनों में से किसी का नहीं दिया है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पीएनएल की इनकम हो जाएगी, तो हम उसे पीएनएल में क्रेडिट साइड लिख लेंगे, शेयर ट्रांसफर फी रिसीव्ड 200। उसके बाद है क्लेम्स पेड। क्लेम पेड जितना हमने पेमेंट किया है क्लेम शेड्यूल नंबर 2 में लिख देंगे, फायर का है 5,30,000, मरीन है 2,21,000 एंड मिसेलिनियस है 18,500। उसके बाद लॉस ऑन एक्सचेंज। एक्सचेंज करने से हमें लॉस हुई है उसमें भी बायफर्केट किया है फायर एंड मरीन, अगर जिसमें भी डिफ्रेंशिएट करके आपको लिखा है वो तो हम जैसे पहले करते हैं वैसे ही करना है, जिसमें डिफ्रेंशिएट नहीं किया है उसको ही सिर्फ हम पीएनएल में लेके जाएंगे। सो अदर में लिख देंगे अदर एक्सपेंस लॉस ऑन एक्सचेंज 4,500 एंड 8,500 मिसलिनियस के नहीं लिए नहीं है तो उसके लिए डैश। उसके बाद है बैड डेट्स। बैड डेट्स भी हमारा अदर एक्सपेंस है तो बैड डेट में भी लिख देंगे 100, इस बार मरीन का नहीं है तो मरीन में डैश, मिसलिनियस का 300। उसके बाद है बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2010। पीएनएल अप्रोप्रिएशन की हमें ओपनिंग दी है तो पीएनएल के नीचे हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे बाय ओपनिंग बैलेंस 1,89,500। प्रॉफिट की क्रेडिट बैलेंस होती है तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस 1,89,500। उसके बाद इन्फॉर्मेशन है उसमें है क्लेम्स आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2010, यानी ये सारे क्या है, प्रीवियस ईयर के क्लेम आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग बैलेंस भी है, तो वो हम क्या करते हैं ऑलवेज माइनस कर देते हैं शेड्यूल नंबर 2 क्लेम में से 520 माइनस 2,81,000 मरीन में और मिसेलिनियस में 7,900। उसके बाद इन्फॉर्मेशन है इनकम टैक्स पेड ऑन डिविडेंड इनकम। जनरली ये आता था तो हम क्या करते थे, हमारे रेवेन्यू में इंटरेस्ट की इनकम में से माइनस कर देते, पर जैसे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए नहीं थी, वैसे ही इनकम टैक्स पेड भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, तो वो हम कहाँ लिख देंगे, पीएनएल में डेबिट लिख देंगे, यहाँ हमारा इनकम टैक्स 17,700। ठीक है, अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो सारी दी गई है वो हम देख लेते हैं। प्रोवाइड अनएक्सपायर्ड रिस्क एट 50% ऑफ द नेट प्रीमियम रिसीव्ड, लेस री इंश्योरेंस फॉर फायर एंड मिसेलिनियस बिजनेस एट 100% एंड मरीन बिजनेस, सॉरी 50 हमें किसके लिए लिख, फायर एंड मरीन के लिए, और 100 है वो हमारा मरीन बिजनेस। क्रिएट एडिशनल रिजर्व एज अंडर, एडिशनल रिजर्व के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। प्रीमियम आउटस्टैंडिंग, यस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, हमारे करंट ईयर का प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है तो वो हम क्या करते हैं, हमारे शेड्यूल नंबर 1 प्रीमियम में ऐड कर देते हैं आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 20, फायर के लिए है 21,000 एंड मरीन के लिए है 1,51,000, मिसेलिनियस के लिए कुछ भी नहीं है सो डैश। उसके बाद इंफॉर्मेशन है एट द कंपनीज जनरल एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड इन सितंबर 2011, अ डिविडेंड ऑफ रुपीज 150 वाज डिक्लेयर्ड फॉर द ईयर 2010-11। यस, डिविडेंड डिक्लेयर किया है, डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर को हम क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सो ये 1,50,000 डिविडेंड है वो कहाँ जाएगा, हमारा पीएनएल नहीं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्या होता है, हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्रॉफिट हम क्या करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आ जाएगा 1,50,000 डेबिट साइड डिविडेंड। यस, ये याद रखना, अब तक आपको ऐसा कुछ नहीं आता था, अब ये आया है तो आपको याद रखना है। डिविडेंड कहाँ से आता है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में से आता है, मतलब कि जितनी भी इनकम हुई है उसमें से सारे एक्सपेंस हम माइनस करते हैं और बाकी का जो प्रॉफिट बचता है वो अब हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है ट्रांसफर रुपीज 122 टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। टैक्स की प्रोविजन करनी है तो टैक्स की प्रोविजन हम कहाँ से करते हैं, पीएनएल में से करते हैं, तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट प्रोविजन फॉर टैक्स 1,22,000। उसके बाद लास्ट इन्फॉर्मेशन है क्लेम्स आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, हमारा जो करंट ईयर है उसमें क्लेम्स आउटस्टैंडिंग है तो हम
करंट ईयर के जो क्लेम्स है वो ऐड कर देंगे, 3,03,600, 3,37,400 and 9,600। यस, सारी इन्फॉर्मेशन खत्म हो गई है। अब सिर्फ हमारी जो रिजर्व्स की इन्फॉर्मेशन है वो हमने बाकी रखी है, तो वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्लोजिंग में हमें क्या करना है, 50% जो हमारा नेट प्रीमियम आता है उसके लिए करना है। सो पहले हम यहाँ नेट प्रीमियम के प्लस माइनस करके जो टोटल आएगा उसमें से क्या करेंगे, फायर और मिसलिनियस के लिए 50-50 और मरीन के लिए क्या हो जाएगा, 100%। सो 8,98,000 फायर का है उसका 50% होगा 4,49,000, मरीन के लिए तो 100% बोला है सो 8,91,000 कम्प्लीटली यहाँ आ जाएगा 8,91,000, और मिसलिनियस के लिए भी क्या है 50%, सो 54,600 के 50% 27,300। एडिशनल उन्होंने बोला है कितना रखना है, 24,74,099,000। क्लोजिंग का कर देंगे प्लस, जैसे हम पहले करते हैं ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करेंगे, जो भी नेट आंसर आएगा अगर माइनस में आएगा तो माइनस बाहर लिखेंगे और प्लस में आएगा तो प्लस बाहर लिखेंगे। सो 3,33,700 माइनस 4,73,000 दैट इज माइनस 1,39,300। सिमिलरली मरीन के लिए भी माइनस में माइनस 1,42,000 एंड मिसलिनियस के लिए आएगा माइनस 10,300। सो हमारा नेट आंसर आ जाएगा 8,98,000 माइनस 1,39,300 758,700। सिमिलरली मरीन के लिए आएगा 758,800 एंड 44,300। वैसे ही सारे शेड्यूल्स हम अपने क्लोज कर देंगे। क्लेम का शेड्यूल क्लोज किया तो आंसर आया 2,13,600, 2,77,400 एंड 20,200। कमीशन में तो एक ही एंट्री थी तो टोटल भी वही रहेगा, और ऑपरेटिंग में सेम एक ही एंट्री थी तो टोटल वही रहेगा। यस, अब सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम हमारे रेवेन्यू में लिख देते हैं। जितने भी शेड्यूल्स हमने क्लोज किए वो हमने प्रीमियम के लिख दिए, इंटरेस्ट के लिए कोई भी नहीं था, अदर के लिए भी कोई नहीं था। सो टोटल हमारा हो गया 758,700, 758,800 एंड 44,300। सारे जो एक्सपेंस के हमारे शेड्यूल्स थे वो हमने क्लोज करके सारे यहाँ लिख दिए। सो टोटल एक्सपेंस हमारा हुआ 678,600, 565 एंड 48,500। यस, ये क्या है, टोटल एक्सपेंस। जैसे टोटल इनकम वैसे टोटल एक्सपेंस। सो टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 80,100, 158,800 एंड मिसलिनियस में हमारी लॉस है माइनस 42,000। सो ये हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल में। हम सारे जितने भी सम्स हमने किए वहां हम क्या लिखते हैं, ट्रांसफर टू पीएनएल। पर वो सारे सम्स में हमें पीएनएल बनाने का नहीं था, यहाँ हमें बनाने का है तो हम क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जो प्रॉफिट है वो क्रेडिट साइड आएगा और जो लॉस है वो डेबिट साइड आएगा। तो फायर एंड मरीन के लिए हमारा क्या है, प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट साइड लिखेंगे, रेवेन्यू अकाउंट फायर एंड मरीन 80,100 एंड 1,85,800। और मिसलिनियस के लिए जो हमारी लॉस है वो हम लिखेंगे रेवेन्यू अकाउंट मिसलिनियस 4,200। ठीक है, प्लस माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पीएनएल की बैलेंस मिल जाएगी 2,11,400। ये हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल में से पीएनएल अप्रोप्रिएशन, क्योंकि पीएनएल का जो भी प्रॉफिट है वही क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ हमने डेबिट साइड लिखा है, ट्रांसफर करके कहाँ आ जाएगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पीएनएल, जो हमारा प्रॉफिट हुआ है नेट प्रॉफिट वो ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास और पीएनएल का हमने ट्रांसफर किया है। प्लस करेंगे 189,500 प्लस 211,400, सो आंसर आ जाएगा 4,09,000। ओके, उसमें से जितना हमने डिविडेंड दिया है, कितना डिविडेंड हमने दिया है, 1,50,000। सो बाकी की जो अमाउंट है 2,59,000 वो क्या हो जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस। यस, सो ये सम करवाने का मेन रीजन यही था। एक इसमें क्या आता है, फायर मरीन एंड मिसलिनियस तीनों चीजें आती हैं, और दूसरा इसमें पीएनएल एंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी बनाना है। यस, इस चैप्टर के सारे जो इम्पॉर्टेंट सम्स थे, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो हमने सारे कवर अप कर लिए हैं। आज आपको होमवर्क में इलस्ट्रेशन 7
जैसे हमने सम नंबर 7 किया डिट्टो वैसे ही इलस्ट्रेशन 7 और इलस्ट्रेशन 8 सेम चीज़ है, पर सिर्फ फायर और मरीन के लिए है, मिसेलिनियस उसमें नहीं है, पर आप वो भी ट्राई कर सकते हो। और सम नंबर 28 एंड 21 फायर एंड मरीन रिलेटेड है, सिंपल सम्स जो हमारे थे वो, पर आपको करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। दिस इज़ द लास्ट वीडियो फॉर दिस चैप्टर, ओके। और मैं आपको एक दिन का टाइम देती हूँ, आप सारे सम्स आज और कल तक कर लेना, हम सैटरडे को इसके लिए डाउट सॉल्विंग रखेंगे, ठीक है। तो आप दो दिन में ये सारे सम्स है वो कंप्लीट कर लेना, कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप सैटरडे को डाउट सॉल्विंग में पूछ सकते हैं। बाकी ये चैप्टर कंप्लीट है, सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने सारे सम्स लेके कवर अप कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हो या मुझे पर्सनल भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ ये चैप्टर अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज कंप्लीट है, ओके। थैंक यू।